ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ठीक है भाई, आज ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पढ़ना है। याद होगी ये टेबल? देखो कुछ नहीं करना, पहली लाइन बनानी है, उसके बाद पूरी टेबल बनती चली जाएगी। जीरो से लेकर के फोर तक लिख दो, जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है। टोटल कितने हैं? चार। तो डिवाइडेड बाय फोर, डिवाइडेड बाय फोर, डिवाइडेड बाय फोर, डिवाइडेड बाय फोर, इधर समझ में आ गया? सब पर रूट चढ़ा दो, ठीक है। ये जीरो याद आएगा, फोर का रूट होता है टू, वन का एज इट इज जीरो, वन बाय टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, वन बाय रूट टू। ये रूट थ्री बाय फोर का क्या होता है? टू। कट गया सीधा आंसर वन, ठीक है। ये हमारा साइन आया, ये हमारा साइन आया, ठीक है। ये हर पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल हैं। जैसे साइन का जीरो कितना होता है? जीरो, मतलब साइन थीटा जब जीरो डिग्री पे कैलकुलेट कर रहा है तो उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है, समझ में आया। अब कॉस के लिए हम क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, जो उधर लिखा है वो यहाँ आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है जी। अच्छा एक फॉर्मूला होता है साइन, सॉरी टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। टैन जो होता है ना उसकी वैल्यू साइन अपॉन कॉस होती है, तो जो भी साइन है उसको डिवाइड करेंगे हम कॉस से, तो जीरो बाय वन कितना होता है? जीरो। टू से टू कैंसिल, इधर क्या बचा? टू से टू कैंसिल, ऊपर बचा वन, नीचे बचा रूट थ्री, वन पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। टू से टू कैंसिल, रूट थ्री, वन बाय जीरो होता है नॉट डिफाइंड, मतलब हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ इंफिनिटी आ गया। अब एक और चीज, साइन थीटा जो होता है ना वो वन अपॉन कोसेक थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा वन अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा वन अपॉन कॉट थीटा, ये भी पता होना चाहिए। सीधी सी बात है, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट। तो जो जो भी हमको, हमने मेन ये निकालने हैं, साइन कॉस टैन, अब तीनों रिवर्स मारेंगे। कोसेक किसका रिवर्स है? साइन का। तो जीरो का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। वन बाय टू का उल्टा टू, वन बाय रूट टू का उल्टा रूट टू, इसका हो जाएगा टू बाय रूट थ्री, एंड वन का उल्टा वन ही होएगा, ठीक है जी। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का, ये इसका, ठीक है जी। ये कॉस का है तो वन का उल्टा क्या होएगा? वन ही होएगा। रूट थ्री बाय टू का टू बाय रूट थ्री, वन बाय रूट टू का रूट टू, वन बाय टू का टू। जीरो का उल्टा क्या होता है? एनडी, ठीक है। कॉट थीटा किसका उल्टा हो जाएगा? टैन का। जीरो का उल्टा एनडी, ठीक है, कॉट है ना। वन बाय रूट थ्री का उल्टा रूट थ्री, इसका इसका, वन का उल्टा वन, रूट थ्री का उल्टा वन बाय रूट थ्री। एनडी का उल्टा क्या होता है? जीरो, ठीक है जी। टेबल बन गई हमारी। ये टेबल बनाने के लिए तो ये याद रखो, टैन को साइन अपॉन कॉस करते हैं, और सीधी सी बात है, साइन कॉस टैन, कॉट सेक कोसेक, इन तीनों का उल्टा याद रहेगा तो तुम, हम उसको वन से डिवाइड करके और यह सीधी सी बात है रिवर्स करके इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ये टेबल याद होने के बाद इजीली कोई सा भी प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे मान के चलो मैं बताता हूँ, पॉज कर, पॉज 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 आ गया। देखो भाई सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन है तुम्हारा बुक का ही क्वेश्चन है, 8.2 की एक्सरसाइज है, देख लेना अपने आप, ठीक है। 8.2 का है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, टेबल मन में याद होनी चाहिए, जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे ऑटोमेटिकली याद रहेगा, वैल्यू डालो सॉल्व करो, दैट्स ओवर। साइन 60 होता तुम्हारा रूट 3 बाय 2, कॉस 30 होता है 1 बाय 2, बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, प्यार ज्यादा इसलिए मल्टीप्लाई। कॉस 60 क्या होता है? रूट 3 बाय 2। साइन 30 कितना होता है? सॉरी सॉरी कॉस 30 भी रूट 3 बाय 2 ही होता है,
cos 60 होता है 1/2, sin 30 भी यही होता है 1/2, ठीक है जी। √3 3 हो जाता है, 2 2 4 प्लस 1/2 2 4 3 + 1 4/4 आंसर 1 आ गया, ठीक है जी। कुछ नहीं करना था, सॉल्व ही करना था, समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे सिंपल है 2 tan square 45, अब tan 45 तुम्हें पता होना चाहिए कितना होता है, tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 आंसर, समझ में आया। अब ध्यान से समझना 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री बोलो निकालो, 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो देखो ध्यान से, साइन 60 होता है हमारा √3/2, तो ध्यान से मेरी बात सुनो, साइन 60 है ये है, इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, समझ में आया। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, क्यों स्क्वायर से √3 कट गया, 2 का स्क्वायर फिर से दोनों पे चढ़ेगा ना, पापा खाने लाए दोनों भाई बहन को देंगे ना, तो स्क्वायर √3 को भी मिला 2 को भी मिला, 2 का स्क्वायर 4, 3 मल्टीप्लाई में था तो 3 मल्टीप्लाई में एज इट इज, 3 जा 9/4 आंसर, समझ में आया। अरे समझ में आया, अब एक और देखो, cosec² 45, ठीक है तू ही मान लो, चलो cosec² 45 की वैल्यू तुम्हारे को याद होनी चाहिए, cosec² 45 की वैल्यू होती है √2, ठीक है, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर से √2 कटा, बचा 2 2 जा 4 आंसर आ गया, समझ में आ गया। ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना, टेबल से तुम्हारे को वैल्यू देखनी है, डालनी है, सॉल्व करना है, इससे इजी कुछ नहीं है, इससे इजी कुछ नहीं है। हो गया। देखो भाई एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी और कुछ भी नहीं है, बाकी सब इजी है, वैल्यू डालनी है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डालो, सॉल्व करो, दैट्स इट। देखो cos 60 कितना होता है 1/2, ठीक है जी, स्क्वायर है कर दिया, 5 है तो लिख दिया, 6² 30 कितना होता है, 2/√3 यही होता है ना, है ये मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसे होता नहीं है ऐसा, नॉट अ sin² 30 कितना होता है 1/2 स्क्वायर चढ़ाया, cos² 30 कितना होता है √3/2। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 5 मल्टीप्लाई में होगा तो 5 बन जाए 5, 5/4, ठीक है जी, 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 जा 16, 4 × 4 हो जाएगा, अपॉन में √3 पे स्क्वायर, दोनों को मिलेगा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा कितना आया 3, माइनस 1 एज इट इज, अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है जी, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 5/4 प्लस 16/4 सॉरी 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कटा आंसर 1 आ गया मेरा, अब इसको देखो एलसीएम लेना है, 4 3 जा 12, 4 3 और 1 है ना, 12 एलसीएम आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 5 जा 15, 4 16 4 जा 64, माइनस 1 एज इट इज, 64 प्लस 15 कितना होता है 79 अपॉन में 12 माइनस 1, ठीक है इसको सॉल्व करना है, यहाँ देखो 79 माइनस 12 अपॉन 12 हो जाएगा आंसर, ठीक है समझ में आया। वैल्यू डालो और जो भी तुमने मैथमेटिकल स्किल जो भी सीखा है उसको सॉल्व करते रहो, सॉल्विंग करने और कुछ भी नहीं है।